सो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून गाइस। और मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो भी बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए, बताता हूँ आप। हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद बिन हैदरा एंड यू आर वाचिंग आई एम हैदरा एमबीए। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गुलबर्गा शरीफ। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि गुलबर्गा शरीफ जाएंगे बल्कि, लेकिन हो नहीं पा रहा था। देन तो अभी आज प्लान बन गया है, सडनली अनवांटेड प्लान है ये। तो चलिए, मैं आप लोगों को जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ आज की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड तो फिर लेट्स गो। तो ये है बैगन का खेत, और ये बैगन का खेत बैगन में मिल गया, यानी बैगनों से भरा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यानी बैगन का खेत है ये, और बैगन का खेत बैगन से मिला हुआ है, यानी बैगन से भरा हुआ है। येलो एंड पर्पल कलर के बैगन है। तो और आगे चलते हैं, चलते हैं कहाँ पर, जहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ आगे। पानी 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 स्वॉट। नेक्स्ट क्या जा रहा हूँ मैं, गेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बता दूंगा। मैं छोटे से तालाब के पास जा रहा हूँ जो मेरे आगे है, एंड चलो बता देते हैं, जो मेरे ये पीछे है तालाब। कौन सा तालाब है मेरे को नहीं मालूम, बस तालाब का मज़ा लेंगे खाली, नाम से क्या लेना देना। So guys, मैं एक दो बैंगन तोड़ने वाला हूँ। ये तोड़ा, ये कलर का देखो आप, येलो कलर का है, मार्केट में इसीलिए इतना महंगा बेच रहे, लेकिन यहाँ पे देखो सड़ गया, गल गया, खराब होगा, कीड़े खा रहे हैं, इंसाना खाने की चीज है, कीड़े भी खा सकते हैं। येलो बैंगन में पहली बार देखा, देखो आप ये खा सकते हैं, इसको तो ऑलरेडी कीड़े खा चुके हैं, देखो। तो फिर इसी बात पे इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion. मैं पहुंचा हूं गुलबर्गा। तो गाइस, ये है गुलबर्गा का बाजार, जो कि बहुत अच्छी मार्केट लगी है, हमेशा लगी रहती है ये। मैंने देखे हैं पर्सेस एंड बहुत सारी चीजें, गल्ले के सेट्स से, यानी लेडीज की अच्छी खासी शॉपिंग हो सकती है। लाइक मेरे ख्याल से आप शादी ब्याह तक की शॉपिंग कर सकते हो, एंड बच्चों के खिलौनों के, टॉयज के बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स है। पर शावर लिया एंड देन उसके बाद कपड़े चेंज किया। सो अभी तो बहुत थक गया हूँ, देन थोड़ा सा अभी असर की नमाज, असर का टाइम हो गया है, तो असर की नमाज पढ़ेंगे एंड ज़्यारत करेंगे, रवाना होंगे यहाँ से। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ ख़रीदी करके जाएंगे यहाँ से, लाइक मामूपुरी स्पेशल मिलती है तो मामूपुरी ले कर जाएंगे। और तो सो गाइस, असर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो मैं नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह ज़्यारत करूँगा। और मिलते हैं, ये ले लिए फूला,
अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरी ज़ियारत हो चुकी है। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था गुलबर्गा आने की, लाइक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का एंड, लेकिन आते समय बहुत कड़क धूप थी। और ये बोलना था गाइस आप लोग को कि मैंने ये कपड़े रख ले के आए थे तो यहाँ पर आके चेंज किया है। यहाँ पे अभी स्टे करने का तो कोई इरादा था नहीं। तो गाइस अभी मैं ये भी ड्रेस चेंज करने वाला हूँ, लाइक मैं भी बहुत गर्मी हो रही है गाइस, इसमें शेरवानी है तो बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं टी शर्ट एंड अदर कपड़े भी कैरी करके निकला था। तो अभी नेक्स्ट टी शर्ट पहनेंगे। वो वाली टी शर्ट तो थोड़ी सी मैली हो गई, लाइक वो बहुत टाइम से पहन के था तो स्वेट की स्मेल आ रही है, तो मैं दूसरी टी शर्ट पहनूंगा। तो चलो टी शर्ट पहन के बात करते हैं। ये है मेरा नेक्स्ट आउटफिट। सो गाइस मानोपुरी ले लिए, अभी अपने यहाँ से गुलबर्गा शरीफ से रुख्सत हो रहे हैं इंशाल्लाह। सो गाइस गेस व्हाट वेयर आई एम, डोंट गेस, मैं ही बता दूंगा। मैं जमजम ढाबे पे आया डिनर करने, गुलबर्गा शरीफ से निकले, वहाँ से निकल कर यहाँ पर आए जमजम ढाबा पे, पेट पूजा करेंगे उसके बाद घर रवाना होंगे। तो हमने ऑर्डर किया बटर चिकन एंड दाल एंड ज़ीरा राइस और रोटी। बहुत ही अच्छा टेस्ट था गाइस, बहुत ही उम्दा टेस्ट गाइस। देखे जब से मुंह में पानी आ रहा था लेके फर्स्ट बाइट, वाह वाह मज़ा आ गया भाई। गाइस तुम्हें खाना है तो बताओ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। देखो एक बार टेस्ट करके देखो, कहाँ नहीं करोगे, ठीक है मैं ही करूँगा। तो फिर हम जल्दी जल्दी खा के यहाँ से चार मीनार भी जाना है, क्योंकि बगल में ही है चार मीनार। अलग ही है भैया, चार मीनार की घड़ी 4:30 बता रही है, लेकिन 10:30 के आसपास हो रहे थे ये टाइम पे। लेकिन इनसाइड तो बहुत ही अच्छा माहौल बना था, लाइक फैमिली को लेकर आ जा सकते हो। यहाँ पर ठहर के मैंने किसी को देखा, मुझे उससे दोस्ती करनी दिल बोली तो मैं पहुँचा उससे बात करने। इसका नाम हेमा कुछ नाम बताया था उन्होंने, नाम शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत प्यारी थी। लेकिन पहले तो दोस्ती करने नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद दोस्ती हो गई है। तो गाइस जाते जाते ये भैया को थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि इन्होंने मेरी दोस्ती कराई थी हेमा से।